कथा, ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आज सुनते हैं किन्नर शिखंडी की कथा। शिखंडी हिंदू महाकाव्य महाभारत में एक उभयलिंगी चरित्र है। वो पांचाल नरेश द्रुपद के लिए शिखंडनी नामक महिला के रूप में पैदा हुए और बाद में पुरुष में बदल गए। वो महाकाव्य की महिला नायक और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के भाई हैं। ये माना जाता है कि शिखंडी अम्बा का पुनर्जन्म है, जिसे भीष्म ने तिरस्कृत किया था। शिखंडी ने अपने बहनोई पांडवों के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ाई लड़ी और भीष्म की मृत्यु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीष्म को मारने के अलावा उन्होंने अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जैसे महान योद्धाओं से भी लड़ाई लड़ी। शिखंडी का पूर्व जन्म अम्बा नाम की महिला के रूप में हुआ था। अम्बा काशी के राजा की सबसे बड़ी पुत्री थी। अपनी बहनों अंबिका और अम्बालिका के साथ भीष्म द्वारा उन्हें उनके स्वयंवर से अपहरण कर लिया गया था। सौबाला के राजा सलवा सहित कई राजाओं को हराने के बाद भीष्म राजकुमारियों के साथ हस्तिनापुर लौट आए और अपने छोटे सौतेले भाई विचित्रवीर को उन तीनों को उसकी होने वाली दुल्हन के रूप में पेश किया, प्रस्तुत किया। लेकिन विचित्रवीर ने केवल दो बहनों से शादी की, क्योंकि अम्बा ने भीष्म से कहा कि उसे सलवा के राजा से प्यार हो गया है और वो किसी और से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसकी ये बात सुनकर भीष्म ने अम्बा को भव्यता के साथ सलवा के पास भेज दिया, लेकिन सलवा ने भीष्म के विरुद्ध लड़ाई हारने की शर्म के कारण अम्बा को ठुकरा दिया। अम्बा पुनः अब भीष्म के पास लौट आई और मांग की कि वो क्षत्रिय धर्म के अनुसार उससे शादी करे, लेकिन भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य के व्रत के कारण उसे मना कर दिया। अपने अपमान से क्रोधित होकर उसने अन्य राजाओं को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सहमत नहीं था, क्योंकि वे महान योद्धा भीष्म के क्रोध से डरते थे। फिर अम्बा ने तपस्या का सहारा लिया और भगवान कार्तिकेय से नीले कमल की एक माला प्राप्त की और यह भविष्यवाणी हुई, जो कोई भी उस माला को पहनेगा वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगा। अम्बा फिर राजा द्रुपद के पास पांचाल गई, क्योंकि वो एक शक्तिशाली राजा थे जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे भी भीष्म के विरोध से डरते थे और अम्बा का समर्थन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। अम्बा ने क्रोध में आकर भगवान कार्तिकेय से प्राप्त नीले कमल की माला को राजा द्रुपद के द्वार पर लटका दिया और दुखी मन से वहां से चली गई। अम्बा ने भीष्म की मृत्यु का वरदान पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की। आखिरकार उसकी तपस्या फलीभूत हुई। भगवान शिव से उसे यह वरदान मिला कि वह भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। जब भीष्म धर्म के नियमों के खिलाफ लड़ रहे होंगे तब ऐसा होगा, लेकिन बिना सैन्य प्रशिक्षण वाली महिला होने के नाते उसने शिव से पूछा कि वो अपना कार्य कैसे पूरा करेगी। तब भगवान शिव ने कहा कि अम्बा के भविष्य का अवतार वास्तव में भीष्म की मृत्यु का कारण होगा। भगवान शिव के वरदान को चरितार्थ करने के लिए आतुर अम्बा ने अपने आप को मार डाला और फिर अम्बा का जन्म द्रुपद की पुत्री शिखंडनी के रूप में हुआ था। कहानी के अधिकांश संस्करणों में शिखंडी नर है लेकिन पैदाइशी मादा है। जब शिखंडनी अपना लिंग बदलती है तो वो शिखंडी बन जाती है, लेकिन किन्नर होती है। सी राजगोपालचारी की महाभारत के अनुसार जब शिखंडी ने एक युवा महिला के रूप में रह रही थी तो उसने महल के द्वार पर लटके हुए नीले कमल की माला की खोज की और उसे अपने गले में डाल लिया। जब द्रुपद ने अपने बच्चे को माला पहने हुए देखा तो भीष्म के शत्रु बनने से भयभीत हो गया और उसने शिखंडी को राज से भगा दिया। उसने जंगल में तपस्या की और शिखंडी नामक एक पुरुष के रूप में तब्दील हो गई। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने शिखंडी से लड़ने से इनकार किया। युद्ध से पहले भीम शिखंडी को पांडव सेना के प्रमुख रूप में चुनते हैं, क्योंकि वह भीष्म को मारने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन अर्जुन और कृष्ण इसके बजाय दृष्टद्युम्न को पसंद करते हैं। हालांकि शिखंडी को पांडव की सात अक्षौणी सेना में से एक का सेनापति भी बनाया गया है। युद्ध के पहले दिन शिखंडी अश्वत्थामा का सामना करता है और दोनों योद्धा पीछे हटने से पहले एक दूसरे को कई बार घायल करते हैं। युद्ध के सातवें दिन शिखंडी फिर से अश्वत्थामा का सामना करता है और उसे माथे पर घाव करता है, जिससे अश्वत्थामा को बहुत तकलीफ होती है। हालांकि क्रोधित अश्वत्थामा उसके रथ को नष्ट कर देता है और उसे घायल भी कर देता है। सौभाग्य से सात्यकी उसके बचाव में आ जाता है। युद्ध के दसवें दिन भीष्म ने शिखंडी को अम्बा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना और वे एक महिला से लड़ना नहीं चाहते थे, अतः वे शिखंडी से दूर रहे। दसवें दिन कौरव सेना के कई योद्धाओं ने शिखंडी पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। सबसे पहले अश्वत्थामा ने शिखंडी पर हमला किया, लेकिन द्रुपद ने बचा लिया और फिर दुशासन ने शिखंडी पर हमला किया। इस बार दृष्टद्युम्न ने बचाया और अंत में शकुनी ने शिखंडी पर हमला किया और उसे चाकू मार दिया, लेकिन विराट ने उसे रोक दिया। बाद में घायल शिखंडी अर्जुन के रथ में सवार होकर वे भीष्म का सामना करते हैं, मगर भीष्म अपने हथियार नहीं उठाते।
ये जानते हुए कि भीष्म हथियार नहीं उठाएंगे, अर्जुन शिखंडी के पीछे छिप गए और भीष्म पर बाणों से विनाशकारी हमला किया। इस प्रकार भीष्म की मृत्यु में शिखंडी का महत्वपूर्ण योगदान था। युद्ध के 12वें दिन शिखंडी के इकलौते पुत्र शत्रुदेव के दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार ने हत्या कर दी। 14वें दिन शिखंडी को कृपाचार्य ने बुरी तरह परास्त कर दिया और 16वें दिन वो घायल हो गया। शिखंडी युद्ध के 17वें और 18वें दिन पीछे हटने वाली कौरव सेना को बहुत नष्ट करते हैं और कई लोग हताहत होते हैं। युद्ध के 18वें और अंतिम दिन की पूर्व संध्या पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पांडव शिपर पर हमला किया। अश्वत्थामा के साथ तलवार की लड़ाई में शिखंडी मारा जाता है। तो ये थी महाभारत के पात्र शिखंडी की अनसुनी कहानी। सब्सक्राइब कीजिए और साझा कीजिए ऐसी ही और अनकही और अनसुनी कथाओं के लिए।